आजकल यूके आने का एक नया तरीका आया है, वो है केयर वर्कर वीज़ा। बहुत ही इजी एंड सिंपल सी प्रोसेस है और आप लोगों को बस चाहिए 12th होनी चाहिए और इंग्लिश में बेसिक सी रिक्वायरमेंट है IELTS या PTE में, और आप लोगों का वीज़ा लग जाता है। आप यूके में आ जाते हो और आपका काम स्टार्ट कर देते हो। है तो बहुत सिंपल है, बट मैं आप लोगों को इसकी सच्चाई के बारे में बताने वाला हूँ कि यहाँ पे एक्चुअल में क्या चल रहा है। अगर आप लोग इस रूट का इस्तेमाल करके यूके में आने की सोच रहे हो तो आप लोगों को मैं कुछ बातें बताने वाला हूँ ताकि आप लोग अपना आपका डिसीज़न अच्छे से ले सकें और आप लोगों को पता चले कि यहाँ पे एक्चुअल में हो क्या रहा है। मैं आप लोगों को डिमोटिवेट नहीं करना चाहता हूँ। अगर आप लोगों को ये वीडियो के देखने के बाद भी लगे कि हाँ आप लोगों को आना है तो आप बेशक आइए, बट आप लोगों को एक बार इन्फॉर्मेशन ज़रूर होनी चाहिए कि यहाँ पे लोगों के साथ क्या होता है। ये सबके साथ तो नहीं होता, बट बहुत सारे लोग इस प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं, तो इसलिए मैं आप लोगों के साथ ये वीडियो बना के शेयर करना चाहता हूँ कि यहाँ पे एक्चुअल में हो क्या रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। मेरा नाम है नीरज सैनी और मैं रहता हूँ लंदन यूके में, और मैं बनाता रहता हूँ इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ ताकि आप लोगों को हेल्प हो सके जो लोग यूके में आना चाहते हों या फिर यूके में रहते हों। तो जो ये केयर वर्कर वीज़ा होता है, ये दो टाइप का होता है। सबसे पहले होता है भाई डोम केयर, जिसमें कि घर घर जाके आपको केयर करनी होती है बच्चों की या फिर फिज़िकली डिसेबल्ड जो ओल्ड लोग होते हैं उनकी। और दूसरा होता है केयर होम वीज़ा, तो उसमें आप लोगों को केयर होम होता है जिसमें कि बहुत सारे लोग डिसेबल्ड लोग या ओल्ड एज लोग होते हैं उनकी डे टू डे लाइफ में जो उनकी एक्टिविटीज़ होती है उनमें हेल्प करनी होती है। तो है तो सिंपल सा ही है, दोनों बहुत सिंपल लग रहे हैं, बट आप लोगों को इसके बारे में जानकारी देने वाला हूं मैं। कुछ टाइम पहले यहां केयर वर्कर्स की शॉर्टेज हो चुकी थी, तो यहां की गवर्नमेंट ने अलाउ किया कि अगर आप इंटरनेशनल लोगों को बुला सकते हो केयर वर्किंग के लिए तो आप लोगों को हम वीज़ा देने के लिए तैयार हैं। तो ये एक भाई बिज़नेस मॉडल बन गया यहाँ के केयर होम्स के लिए और कुछ एजेंट्स के लिए। तो उन्होंने क्या स्टार्ट किया कि वो COS लेटर इशू कर देते हैं और बाहर के देशों से यहाँ पे लोग बुलाना चालू कर दिया। और भाई ये इन्होंने रुके नहीं, अगर किसी केयर होम में ज़रूरत है 10 लोगों की तो इन्होंने 50-50 COS लेटर इशू कर दिए, मतलब वीज़ा इशू कर दिए, और 50-50 लोग यहाँ पे आ गए। अभी भी और भी चालू हैं क्योंकि इसके ऊपर कोई अपर लिमिट रिस्ट्रिक्शन नहीं है अभी तक गवर्नमेंट की साइड से। अब हो क्या रहा है कि केयर वर्कर्स ज़्यादा हो गए हैं, क्लाइंट कम हो रहे हैं, तो उसकी वजह से हो क्या रहा है कि जो केयर वर्कर हैं उनके पास काम नहीं है, मतलब वो फ्री बैठे हुए हैं और केयर होम बोल रहे हैं कि हाँ आप लोगों को काम मिलेगा। अब केयर वर्कर फंस कैसे रहे हैं, क्योंकि उनको ऐसा है कि वो काम सिर्फ उसी केयर होम के साथ कर सकते हैं, मतलब उसी एम्प्लॉयर के साथ कर सकते हैं जिन्होंने उनको COS लेटर दिया है। तो यहाँ पे यार सिचुएशन ऐसी हो गई है, ना तो वो कहीं और काम कर सकते हैं और ना उनको छोड़ के जा सकते हैं, क्योंकि उनका अगर उनको छोड़ के जाना है तो उनको कहीं और से COS लेटर लेना पड़ेगा और दोबारा से वीज़ा लेना पड़ेगा। करने को वो कैश इन हैंड काम भी कर सकते हैं किसी और जॉब में, बट वो भी इतना आसान नहीं है क्योंकि यार यूके में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं और आज के टाइम में ऐसा हो रखी सिचुएशन कि कैश में काम मिलता नहीं है कहीं पे। अगर मिलता भी है तो भाई किसी में 5 पाउंड भी नहीं मिलते, किसी किसी को तो 5 या 6 पाउंड मिलते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट वाली बात हो गई है लोगों के लिए जो केयर वर्कर में यहाँ पर आ रहे हैं, ठीक है। और भाई दूसरी बात मैं उनकी बताता हूँ डोम केयर वालों का। अब डोम केयर वालों का ऐसा हो गया है उनको घर घर जाके काम करना पड़ता है, अब उसमें उनको जॉब मिलती है, उनके दिन के क्लाइंट होते हैं 2 या 3। तो भाई वो क्या करते हैं, अब एक क्लाइंट तो मान लो यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है, ठीक है, उसके घर पे 1 या 2 घंटा बिताना है। अब वो वहाँ पे जाएगा, 2-3 घंटे उसके घर पे काम किया, उसको जो भी उसकी रिक्वायरमेंट होगी वो किया। उसका दूसरा क्लाइंट है 2 या 3 घंटे बाद कहीं और जगह पर, वहाँ से 5 या 6 किलोमीटर दूर, तो वो अपना वहाँ से ट्रैवल करके जाएगा या जाएगी दूसरे क्लाइंट के पास और वहाँ पे 2 या 3 घंटे बिताएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्लाइंट होगा 2 या 3 घंटे के बाद कहीं और लोकेशन पे, वो फिर से 5 या 6 किलोमीटर दूर होगा। तो ऐसे ऐसे करके उसका सारा दिन मैक्सिमम जो आवर्स है वो ट्रैवल में निकलेंगे, मतलब उसको पूरे दिन का काम तो मिला सिर्फ 6 घंटे का या 5 घंटे का और उसको ट्रैवल करना पड़ा 5 या 6 घंटे। और उस टाइम में यार वो अगर चाहे तो अपने घर जा सकता है, बट ऐसा पॉसिबल नहीं होता क्योंकि यहाँ पे ट्रैवल होता है पब्लिक ट्रांसपोर्ट से करते हैं मैक्सिमम लोग, तो उसको ट्रैवल में ही टाइम निकल जाता है। और कुछ तो यार क्लाइंट ऐसे होते हैं जो अपने घर पे आप लोगों को वॉशरूम भी यूज़ नहीं करने देते, टॉयलेट भी यूज़ नहीं करने देते और बोलते हैं कि खाना भी नहीं खाना हमारे घर पे। तो डोम केयर वाले वर्कर हैं वो यूज़ करते हैं पब्लिक टॉयलेट्स वगैरह पार्क्स वगैरह में या फिर किसी मॉल वगैरह में, ठीक है, और खाना वगैरह भी जो अपना बीच में खाते हैं वो भी पार्क्स वगैरह में या कहीं बस स्टॉप पे बैठ के खाते हैं। तो यार ये तो बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब करने वाली बात होती है यार, ये सुनने में आप लोगों को बहुत ज़्यादा ऐसी वियर्ड नहीं लग रही होगी, बट जब जो लोग यहाँ पे करते हैं उन लोगों को ही पता होता है कि ये कितनी बुरी स्थिति वाली बात है। एक टाइम पर बंदा सोच भी ले कि यार चलो मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ तो कर लेता हूँ, बट लॉन्ग टर्म के लिए ये पॉसिबल नहीं है चीज़, क्योंकि एक टाइम के बाद यार है तो इंसान ही, कितना ही करेगा।
और 5 घंटे जितना मिलता है, 5 घंटे मतलब 10 पाउंड के हिसाब से, 10.5 पाउंड के हिसाब से डेली के मिलते हैं 50-60 पाउंड, तो महीने का यार 700-800 पाउंड से ऊपर नहीं बनता। खर्चा इतना ज़्यादा है कि भाई 700-800 पाउंड में एक बंदे का घर पे गुजारा नहीं होता है यहाँ पे, ठीक है। अगर आप लोगों के बच्चे भी हैं तो और ज़्यादा डिफ़िकल्ट वाली बात है, मतलब कि सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा, आप लोगों को अपनी कंट्री से पैसे मंगवाने पड़ेंगे, ठीक है। और अगर आप चाहते हो कि भाई मैं दूसरा कोई वीज़ा स्विच कर लूँ, है ना, जॉब दूसरी चेंज कर लूँ, तो वो उससे भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि यार वीज़ा मिलना इतना ईजी नहीं है। उसके लिए भी आप लोगों को 15,000-20,000 पाउंड पे करने पड़ते हैं किसी और एम्प्लॉयर को, वो तब जाके आपको वीज़ा देगा। तो अभी यार बारिश आ गई है, बारिश थोड़ी तेज़ हो गई है, इसलिए मैं अभी पेड़ के नीचे आया हूँ, इधर आपके लिए कंटिन्यू करता हूँ। और अभी हालत कैसी हो रही है यार, केयर वर्कर जो लोग हैं यहाँ पे, उनकी ऐसी हालत हो रखी है, केयर वर्कर हैं चाहे डोम केयर हैं दोनों की, कि काम तो नहीं है, मतलब यार वीक में, पूरे वीक में 40 घंटे जहाँ पे अलाउड होता है काम उनको, वो कुल मिला के उनको यार 10 घंटे भी नहीं मिल रहा है, 10 घंटे या मैक्सिमम 15 घंटे, और वो लोग वेले बैठे हुए हैं, मतलब फ्री है, कोई काम नहीं है कुछ भी उनके पास, और परेशान हो रहे हैं कि यार इतने पैसे लगा के यहाँ पे आए क्यों। एक केस बताता हूँ, एक रिसेंटली केस हुआ है, केयर होम बंद हो गया है इसीलिए क्योंकि वहाँ के जो केयर वर्कर्स थे उन्होंने कंप्लेंट कर दी, और उसकी वजह से केयर होम को ताला लग गया है, क्योंकि उन्होंने क्या किया, केयर होम केयर वर्कर थे जो सभी गुजराती थे, वो उन्होंने 35-35 लाख इंडियन रुपीज़ दिए हैं और वीज़ा लेने के लिए, और यहाँ पर आए वो लोग, बट यहाँ आने के बाद देखा उन्होंने काम ही नहीं है, तो फिर यार उन्होंने कंप्लेंट कर दी होम ऑफिस को, और जब होम ऑफिस ने इसकी इंक्वायरी की, उन्होंने पाया कि यार केयर होम ने बहुत सारे पैसे खाए हैं इस चक्कर में, तो उन्होंने उसको बंद कर दिया। तो अब वो लोग क्या होगा वो तो अभी चलो टाइम ही बताएगा कि उनका क्या होगा। तो यार इस इंसिडेंट से सीखने को तो यही मिलता है कि अगर हम लोग आ रहे हैं यहाँ पे केयर वर्कर वीज़ा पे, तो अपनी पूरी इंक्वायरी करके आएँ, ताकि हमें बाद में आगे इशू ना हो, मतलब यहाँ पे हम आते हैं अपना फ्यूचर ब्राइट करने के लिए और अच्छे से काम करने के लिए, सेटल होने के लिए, और यहाँ पे आके अगर हमें काम ही ना मिले और हम सेटल ही ना हो और भी मुश्किलें बढ़ जाएँ, तो उस चीज़ का फ़ायदा क्या है, इतने पैसे लगा के आने का फ़ायदा क्या है। तो मेरा मकसद ये वीडियो बनाने का यही है, ताकि आप लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुँचे और आप अपना डिसीज़न और बेटर वे में ले सकें। एक और चीज़ मैंने यहाँ पे नोट किया है, वो ये है कि यार कुछ लोग ना इंडिया में नर्स हैं, ठीक है, वो उसमें गर्ल्स ज़्यादा हैं, वो इंडिया में नर्स हैं, नर्स प्रैक्टिस कर रही हैं, तो वो क्या करते हैं यहाँ पे केयर वर्कर वीज़ा में आ जाते हैं, ठीक है, क्योंकि वो बहुत ईजिली मिल जाता है, पैसे देते हैं और आ जाते हैं। भाई वो लोगों के लिए यार एक बेटर ऑप्शन है, वो लोग यार अपना नर्सिंग करियर में ही आएँ, क्योंकि नर्सिंग करियर बढ़िया है यहाँ पे, उसमें इनकम वगैरह भी अच्छी होती है। तो उसके बारे में इन्फॉर्मेशन आप लोग इकट्ठी करो कि एज ए नर्स आप लोग कैसे डायरेक्टली यहाँ आ सकते हो। तो वो केयर वर्कर वीज़ा में ना आएँ, और डायरेक्टली ज़रूरी नहीं है कि आप लोगों को UK ही आना है, आप लोग किसी और कंट्री भी जा सकते हो, ऑस्ट्रेलिया, कैनेडा, US, इनमें भी जा सकते हो एज ए नर्स, वहाँ पर भी अच्छा स्कोप है। तो अगर आप लोगों को UK ही आना है, तो यार UK की जो प्रॉपर रूट है उसका आने का, तो उसके ऊपर और इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करके आना। तो एट दी एंड मैं आप लोगों को यही बोलूँगा कि भाई आप लोगों को अगर आना ही है UK में केयर वर्कर वीज़ा पे, तो अपने एजेंट से यार पूरी इन्फॉर्मेशन लो, कि उससे बात करो कि मेरी जॉब कहाँ पे होगी और वो कौन सा केयर होम होगा या डोम केयर होगा, और डोम केयर में तो मत ही आना भाई, ठीक है, स्ट्रिक्टली मना कर देना कि मेरे को नहीं आना डोम केयर में, मेरे को केयर होम में जाना है, क्योंकि केयर होम में फिर भी चांसेस होते हैं कि आप लोगों को जॉब मिले, और आप लोगों की जॉब होती है एक ही जगह पर होती है, ठीक है, डोम केयर में आप लोगों को अलग अलग जगह पे जाके काम करना होता है, वो तो और ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। केयर होम में तो फिर भी एक चांस होता है कि यार आप लोगों को चलो एक ही जगह पे काम करना है। तो अपना डिसीजन लेने से पहले पूरी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करना और एजेंट से अच्छे से बात करना, ताकि बाद में आप लोगों को इशू ना हो। और चलिए यहाँ पर वीडियो को एंड करते हैं, और मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर गाइज, बाय बाय।